So here chapter 8 exercise 8.4 का fifth का question number fifth. So here हमें प्रूफ करना है cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 is equal to cos a k plus cot a. तो हम LHS लिखते हैं. LHS हमारा cos a ठीक है. cos a माइनस हम क्या करते हैं इसको ऐसा लिखते हैं sin a माइनस वन. मैंने माइनस कॉमन ले लिया. ऐसा क्यों भी आपको पता चलेगा. यहाँ पे cos a और यहाँ पे आप प्लस sin a माइनस वन. अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो कैसा है. cos a न्यूमरेटर में भी है a और sin a माइनस वन. अगर हम इसे देखिए cos a ठीक है. sin a माइनस वन sin a माइनस वन. तो इसलिए हमने इस तरह से a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा. यहाँ तक समझ में आया. अब हम क्या करेंगे इसका जो भी डिनोमिनेटर है ध्यान दें cos a माइनस sin a माइनस वन. यहाँ पे cos a प्लस sin a माइनस वन. इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते वक्त करते थे वैसा ही. cos a प्लस प्लस के हम जगह पे हम क्या ले लेंगे माइनस sin a माइनस वन. और सेम चीज हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे cos a माइनस sin a माइनस वन. अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखो cos a प्लस sin a माइनस वन है. यहाँ पे प्लस है ना तो हमने क्या करा माइनस लिया दोनों तरफ ठीक है. अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a माइनस वन का होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin a माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक है. अब इसे हम ओपन करेंगे तो cos a माइनस sin a इनको ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस. अब देखो पहले मैंने इसको सेम इसको पूरा होल टर्म ही कंसीडर कर रहे हैं इसे ओपन नहीं कर रहे हैं sin a माइनस वन ठीक है. इसको ओपन नहीं कर रहे हैं इसका स्क्वायर cos a ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है. तो हमने वही अप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो 2ab की जगह a आपका cos है और b आपका क्या है sin a माइनस वन. क्लियर है. अब नीचे वाला ओपन करते हैं यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस वन माइनस टू sin a. क्लियर है. अब देखो अब हम क्या करेंगे cos स्क्वायर a ऐसे ही लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे sin a माइनस वन में. तो sin स्क्वायर a प्लस वन प्लस टू sin a. प्लस नहीं माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस प्लस वन माइनस टू sin a ठीक है. अब यहाँ पे टू cos a ब्रैकेट में sin a माइनस वन डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a. माइनस को अंदर ले करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a माइनस वन प्लस टू sin a. यहाँ तक क्लियर है. अब देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a. cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है वन. तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे वन. तो यहाँ पे वन प्लस वन माइनस टू साइन ए दूसरे ब्रैकेट में टू कॉस ए अनदर ब्रैकेट साइन ए माइनस वन. अब डिनोमिनेटर देखो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए. और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू साइन ए. हमें पता है ना देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ठीक है. तो कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ठीक है. अब देखो वन प्लस वन कितना हो गया टू. टू माइनस टू साइन ए और यहाँ पे माइनस टू कॉस ए अनदर ब्रैकेट साइन ए माइनस वन
डिवाइड में वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, टू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो टू साइन ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अब हम ऊपर से टू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच्चा कितना, वन माइनस साइन ए और पूरा ओवरऑल टू ले लेंगे, और यहाँ पे कॉस ए और यहाँ पे साइन ए माइनस वन, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे भी टू कॉमन ले लिया और साइन भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर नीचे टू टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक समझ में आया, हमने ऊपर नीचे इस टू को और इस टू को कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वन माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में माइनस, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन ए। अब देखो नीचे भी तुम्हारा साइन ए ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या है ये साइन ए है ना, साइन तो हमने कॉमन ले लिया है, वन माइनस साइन ए, ठीक है। तो देखो ये वन माइनस साइन ए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, वन प्लस कॉस ए, क्या बचा ऊपर, वन प्लस कॉस ए, और नीचे क्या बचा, साइन ए। अब वन बाई साइन ए कितना होता है, कॉस ए के, और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो ये हो गया हमारा आर एच एस, दिस इज आर आर एच एस। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिफ्थ का सिक्स्थ वन। अब हम एल एच एस सॉल्व करेंगे पहले, यहाँ पे एल एच एस में क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें एल एच एस को आर एच एस के बराबर करना है, इसके अंदर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो सेम वही, इसका जो भी डिनोमिनेटर है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर ही, हाँ, कॉन्जुकेट लेके वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या हो गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया आपका, रूट में है ही वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीज अप्लाई किया है। अब ऊपर क्या हो गया, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, पता है ना, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई किया। अब देखो न्यूमरेटर में स्क्वायर और रूट भी है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वन प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए। अब वन बाई कॉस ए अलग लिख लिया, साइन ए बाई कॉस ए अलग लिख लिया, वन बाई कॉस ए कितना होता है, सेक ए, और ये कितना होता है, टैन ए, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आर एच एस हो गया, ठीक है। चलो फिफ्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है, एल एच एस साइन थीटा माइनस टू टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, हमें ये टेन थीटा लाना है, तो ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा तो आ गया, लेकिन अभी हमें ये कैंसिल आउट करना है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
ठीक है, टू साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दो, फिर वन को क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस होता है लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, टेन थीटा। यही आपका क्या है, आर एच एस है, तो हो गया आर एच एस, इस तरीके से करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एल एच एस साइन ए प्लस कॉसे के होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसे ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस ए प्लस से के होल स्क्वायर, इसे हमें सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन ए प्लस कॉसे के का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉसेक ए, ऐसे ही सेकेंड वाले का टर्म को खोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख देंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख दिया, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए को साथ में लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए साथ में लिख दिया। अब देखो टू साइन ए और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन ए, ऐसे ही टू कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, वन होता है। अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, हमने पढ़ा है आइडेंटिटी। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल हो गया बच्चा टू, ऐसे ये कॉस और ये कैंसिल हो गया बच्चा टू, तो यहाँ पे भी टू यहाँ पे भी टू। अब देखो टू टू फोर, फोर वन फाइव, वन सिक्स वन सेवन, तो सेवन, और यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस ये हो गया। बस हमने क्या क्या फॉर्मूला यूज किया है वो आप लोग याद रखना, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये यूज किया है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो चलो पहले एल एच एस करते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं वन बाई साइन ए, और यहाँ पे साइन ए रहने देते हैं, सेक ए को वन बाई कॉस ए, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे यहाँ पे एलसीएम लिया तो कॉस ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए। ये क्यों हुआ, एलजेब्रिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट, क्लियर है। अब देखो ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और नीचे भी साइन है ऊपर भी साइन है, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए,
तो क्या ये हमारा RHS है? नहीं है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। अब हम RHS करेंगे, RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे। RHS क्या है? 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये है हमारा। अब हम क्या करेंगे, tan a को sin, ये ओपन कर लेंगे, sin a बाई cos a और इसे cos a बाई sin a, ठीक है। अब 1 अपॉन LCM लिया तो क्या हो जाएगा, cos a साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय 1, 1 और 1 कैंसिल, बचा कितना, कॉस ए साइन ए, तो आपका एल एच एस आर एच एस के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें एल एच एस और आर एच एस दोनों ही सॉल्व करने पड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th में किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, एल एच एस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए लाना है, मतलब आर एच एस लाना है, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसा हमने किया भी है पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को 1 बाई टेन स्क्वायर ए लिख दिया, लिख दिया हमने। अब एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए, इसे और सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये रेसिप्रोकल लिखा हमने, यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस 1। देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया ना आर एच एस। दैट मीन सिर्फ आपको ये इसको 1 बाई टेन में लिखना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ऐसे सेकेंड वाला क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट, कॉट को लिख दो 1 बाई टेन ए, ठीक है, और ओवरऑल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस टेन ए और नीचे इसको लिखा तो टेन ए माइनस 1 बाई टेन ए, ये हो गया। अब इंटरचेंज करो, इंटरचेंज दैट मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे लेकर के जाओ, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब देखो अगर तुम डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या मिलता है, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए, और हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए, ठीक है, और ओवरऑल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, ठीक है, और 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए इधर भी है, 1 माइनस टेन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है, टेन ए, तो टेन ए का स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, और ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको ये प्रूफ कर दिया और इसको भी ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पे, थैंक यू।